तो वही नहीं, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि हम बच्चा सही से लेकर पत्रलेखा को दे दे? क्या ऐसा हो सकता है? बाकी क्या मैं विनायक को एक माँ की तरह पाल सकती हूँ? यही चाहती है ना बाला? काकू, बड़ी मामी, आप जानती हैं मैंने विनायक को पिछले 8 महीनों से अपनी कोख में पाला है, जिसका ख्याल रखना पिछले 8 महीनों से मेरा एकमात्र लक्ष्य था, जिसे मैं इस दुनिया में ला पाई। और अब अचानक से उससे अलग हो जाने के बाद मुझे इतना खालीपन महसूस हो रहा है, मैं आपको बता भी नहीं सकती बड़ी मामी। इसीलिए मैंने एक कदम उठाया, लेकिन आप लोगों ने मुझे बचाया ही क्यों? मुझे मर जाने दिया होता, क्योंकि अब मैं कभी भी जिंदगी में बच्चा पैदा नहीं कर सकती बड़ी मामी। मेरा पति भी अब इस दुनिया में नहीं रहा है, और बच्चा बच्चा हाथ में आते ही साई की खोद में चला गया बड़ी मामी। इससे पहले कि कोई और कुछ कहे, मैं आपको एक बात बता देती हूँ बाकी दीदी, आपने सिर्फ मेरे बच्चे को अपनी कोख दी है, वो बच्चा मेरा है, और आपको शुरू से पता था कि बच्चे को पैदा करने के बाद आपको उसे हमें सौंपना होगा। आपकी जगह अगर गीता होती तो वो बच्चे को खुद पालने की बात कभी नहीं करती, उस पर कोई हक नहीं जताती। पत्रलेखा गीता नहीं है, ये इस घर की सदस्य है और इस पर जो बीत रही है उसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा। लेकिन तू है कि तुझे बस खुद की ही पड़ी? मुझे मेरी नहीं पड़ी, मुझे मेरे बच्चे की पड़ी है। मैं पाखी दीदी को अपना बच्चा नहीं दूंगी। कोई नहीं, आप ये बात सोच भी कैसे सकती है? विनायक विराट और सई का बच्चा है, उसे पालना इन दोनों की जिम्मेदारी है। इसका मतलब हमारा परिवार बच्चे को नहीं संभालेगा? वो हमारा बच्चा नहीं है, वो इस घर का सदस्य है, उसे हम सब मिलकर पालेंगे। वो कभी मेरे कमरे में रहेगा, कभी अश्विनी के कमरे में रहेगा, हाँ। कभी करिश्मा उसे खिलाएगी, कभी सोनाली उसे बाहर घुमाने ले जाएगी। क्या मैंने विराट को अपने बच्चे की तरह नहीं पाला? क्या अश्विनी ने, सोनाली ने देवी को नहीं पाला? क्या मैंने कभी फर्क किया कि मैं सिर्फ देवी को ही पालूंगी और विराट को हाथ नहीं लगाऊंगी? क्या तूने कभी सोचा है कि तू मोहित को हाथ नहीं लगाएगी, देवी से प्यार नहीं करेगी? अरे, घर के बच्चे पूरे घर के होते हैं, यही तो इन रिश्तों की खूबसूरती है। बच्चा चाहे किसी का भी हो, लेकिन उसे पालता पूरा घर मिलकर। फिर तू क्यों अपना हक जता रही है कि बच्चा तेरा है तो तू ही पालेगी? ये एक घर है ना, तो सारा परिवार उसे संभालेगा, सबके पास जाएगा ना बच्चा। या फिर ये कहो कि विराट, विनायक हमारा बच्चा नहीं है। कैसी बात करती हैं आप बाकू? विनायक आपका ही तो है, पूरे परिवार का है। तो मैंने फैसला ले लिया है,
विनायक को पत्रलेखा ही पालेगी। मैं आपको ये फैसला नहीं मानती। और आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? कुछ कहिए ना काकू को। चुप क्यों खड़े? मैंने पाखे की डिलीवरी करवाई और हमेशा उसका शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि इसकी वजह से ही मैं अपने बेटे का मुंह देख पाया हूं। और ये सब देखने के बाद वो खुद अपनी जान लेना चाहती है। मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि मैं किसी भी तरह से उसे तकलीफ पहुंचाऊं, दुख दूं। सही, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं काकू को मना करूं तो कैसे मना करूं, क्योंकि अगर बाकी को बचाने का यही एक तरीका है कि कुछ वक्त के लिए अगर वीनू को उसके पास हमें रखना पड़े तो मैं मना भी नहीं कर पाऊंगा। और इस बात को तो कोई झुठला नहीं सकता ना कि वीनू हमारा ही बेटा है, हमारा बच्चा है ना। आपको एहसास भी है आप मुझसे क्या करने के लिए कह रहे हैं? जितनी मुश्किलों से हमारी जिंदगी में विनायक आए, आपने उतनी आसानी से कह दिया। क्या हम उसे बाकी दीदी को दे देंगे? देना एक मिनट, सही देना, प्लीज शांति से मेरी बात सुनो, मैं इसको समझाने की कोशिश। क्या समझाएंगे आप? किसी एक की जान बचाने के लिए आप दूसरे से उसकी जिंदगी मांग रहे हैं? और ऐसी कौन सी दलील दे देंगे जिससे मुझे आपकी बात समझ में आ जाएगी? एक मिनट, क्या कह रही हो तुम? कौन किसकी जिंदगी मांग रहा है? एक आई के लिए उसका बच्चा उसकी जिंदगी होता है।